यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ वासियों को राहत की सांस दी है। दरअसल सोशल मीडिया पर पिछले कई दिनों से लोग गुहार लगा रहे थे, जिनकी गुहार देश और दुनिया तक पहुंची। फिर योगी आदित्यनाथ से इन लोगों ने मुलाकात भी की और फिर बुलडोजर पर ब्रेक लग गया। तस्वीरें लखनऊ के मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग की हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलकर महिलाओं के चेहरों पर सुकून का भाव है। ये उसी इलाके की महिलाएं हैं जहां कुछ दिनों पहले मकानों पर बुलडोजर चलाने के आदेश दिए गए थे। अब शब्द नहीं है बोलने के लिए, बस इनका बहुत खुशी है, बहुत हम लोगों को घर मिल गया, हमारा घर बच गया, यही हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी है। मैं योगी जी का हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहूंगी कि हमारा घर बच गया। हम लोगों की बात वो सब कुछ हमारे फेवर में किए हैं कि हमारा जितना भी घर है अगर रजिस्ट्री है तो वो नहीं हटाएंगे, नहीं हटेगा। दरअसल कुकरैल नदी के सुंदरीकरण के लिए रहीम नगर, पंत नगर, खुर्रम नगर, अबरार नगर और इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के करीब 2000 घरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया था। विरोध इतना बढ़ गया कि लोगों ने अपने घरों की दीवारों के बाहर रजिस्ट्री की तस्वीरें चस्पा कर दी थीं। मामले ने तूल पकड़ा तो सीएम योगी एक्शन में आए, अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि अब बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। इलाके की महिलाओं का एक प्रतिनिधि मंडल आज सीएम से मिला। सीएम ने आश्वासन दिया तो बाहर आई महिलाओं के चेहरे खिल उठे। इलाके के लोग अब दूसरों को मिठाइयां खिलाकर योगी का धन्यवाद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस इलाके के लोगों के साथ में बैठक की, उसके बाद तय किया गया है कि फिलहाल यहाँ जो सर्वे का काम चल रहा था उसको रोका जाएगा और इसके बाद यहाँ इस इलाके में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। मेरे साथ बात करने के लिए यहाँ के बहुत सारे लोग मौजूद हैं, मैं उनसे जानूंगा। एकदम से कुछ लोग आते हैं, निशान लगाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि अब आपका घर बुलडोज कर दिया जाएगा, आपका घर खत्म कर दिया जाएगा। लगातार यहाँ के लोगों ने आंदोलन किया, संघर्ष किया। जितनी खुशी आज हम लोगों को हुई है, इतनी खुशी मकान बनाने पे जितनी होती है उससे ज्यादा आज खुशी हुई है। योगी आदित्यनाथ जी का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने संज्ञान लिया सही वक्त में। योगी सरकार के लिए चुनौती इसलिए भी बढ़ गई थी क्योंकि मंत्रिमंडल के अंदर खाने से ही विरोध की आवाजें उठने लगी थीं। मंत्री संजय निषाद ने बुलडोजर कार्रवाई को सरासर गलत बताया था। नहीं, गरीबों पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। जो बुलडोजर चलाया वो अच्छा था, अच्छा है भी। माफिया के होना चाहिए, जो कब्जा किया होना चाहिए, दहशतगर्द होना चाहिए, जो इस तरीके का काम किया होना चाहिए, और उसका फायदा भी है मिला। कुछ ऐसे एक दो अधिकारी हैं जो इस तरीके का वोट खराब करके एक किसी आदमी के साथ गलत किया गरीब को, तो पता चला उस गांव के लोग नाराज होते हैं, नात रिश्तेदार नाराज होते हैं, तो ढेर सारा वोट नुकसान होता है। अब किसी को भी विस्थापित करना हो तो पहले अस्थापित किया जाए उसको शुद्ध से और फिर संतुष्ट करके फिर उसको किया जाए। तकरीबन एक महीने पहले अकबर नगर में अवैध अतिक्रमण पर योगी सरकार का बुलडोजर चला था। 9 दिन तक चलाए गए इस अभियान में 24.5 एकड़ में बने करीब 1800 अवैध मकान, दुकानें और कॉम्प्लेक्स को जमीन दोज कर दिया गया था। आरोप ये था कि कुकरैल नदी की जमीन पर कब्जा कर लोगों ने कॉम्प्लेक्स, शोरूम, दुकानें और बड़ी संख्या में घर बना लिए। बहरहाल बुलडोजर कार्रवाई फिलहाल रोक दी गई है, लेकिन रोक सिर्फ रजिस्ट्री वाले मकानों के लिए है। बिना रजिस्ट्री वाले मकानों के लिए खतरा अब भी बरकरार है। और अभी जब आप ये रिपोर्ट देख रहे थे, पॉलिटिकल पावर सेंटर में एक बड़ी खबर आ गई है इसी से जुड़ी हुई। लोग बेहद खुश है, ये तो आप देख ही रहे थे, अपने बयान भी वो आप तक पहुंचा रहे थे। और आपको बड़ी खबर बता दें, दरअसल बुलडोजर एक्शन पर ब्रेक के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान आया है कि निवासियों की सुरक्षा हमारा जिम्मा, हमारी जिम्मेदारी है, प्रभावित परिवार निश्चिंत रहें, ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। बुलडोजर एक्शन पर ब्रेक के बाद योगी आदित्यनाथ का यह महत्वपूर्ण बयान कि निवासियों की जो सुरक्षा है वो हमारी जिम्मेदारी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।